relationship. Okay. All right. I'm coming to that. अब ना क्या होता है कि जो आयता लव दिस चीज सैड और थोड़ा सा अब वो उसको पता लगता है कि जो मेरा बाप था वो लुडाइट्स के साथ था, तो कहती है लुडाइट्स जिन मशीन्स को मारना चाहते थे खत्म कर जाते थे, आई वांट टू सी द मशीन्स, ओके, वो शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली, तो उसको ले गए और एक इंडस्ट्री में ले गए जहाँ पर एक्चुअली ये जेकर्ड था। बट व्हेन शी सॉ जेकर्ड शी गॉट रियली स्टक स्टक इन द सेंस के शी एक्चुअली फॉल इन लव विद दिस मशीन एंड शी सेड व्हाई माय फादर कुडंट एबल टू सी द ब्यूटी इन दिस, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, I mean, what a beautiful machine is this? And ठीक है आप कह सकते हैं कि human काम जो है वो replace हो रहा है, है ना? But we need this as well for progress. We need this. And not only she was fascinated by this machine, she came back. And she has a beautiful idea. And the beautiful idea was, she comes back. Go straight to Charles Babbage, her teacher. First, I said, why not you build a machine which is the following machine? कि एक जर्मन पर्पस मशीन है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन जिसमें इस तरह काम है, फॉर एग्जाम्पल ऐड करो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू गिव एन इनपुट टू दिस दिस मशीन एंड दैट विल बी सेट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन विच विल बी लोडेड बाय दिस मशीन, ओके, एंड इज एक्चुअली इंस्ट्रक्टेड through the instruction of this program, okay, this machine will work and it will go to give some investment. पहले तो चार बोले को समझ नहीं आया इसने कहा क्या, एडा लागत ने बाकायदा उसको फिर ना से दिया कि पेपर पर डिजाइन किया उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बता दी कि इस तरह की स्ट्रक्चर चार्ल्स बेबेज को पसंद आया एंड देन ही नेम्ड इट एज एन अमेरिकन इंजन, ओके, और फिर उसे पूरी लाइफ अपनी अमेरिकन इंजन को बनाने में लगा दिया। दरमियान में वॉर थी, इसकी वजह से हुआ ये कि फंडिंग थी उसकी स्टॉप हो गई, अब वो अमेरिकन इंजन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, उसके टाइम में, उसके बाद लोगों ने 50, 60, 100 साल बाद किया अमेरिकन इंजन को बनाया, ओके, बट What Ida Lovelace presented was a beautiful idea. It was the actually the initial paper model of a current computer. And what she was presenting was a computer program. Okay? और जिसमें लिखा जा रहा है वो actually programming language है. और जो इस programming language को convert कर convert कर रहा है. और वो execute करके दिखा रहा है जैसे computer. Okay? Make sense? तकरीबन 100-150 साल बाद एडा लवलेस का वो काम दफन रहा, और फिर एकदम मशीन्स ने ये एलन ट्यूरिंग के जमाने की बात है, 1940s के जमाने की बात है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल लोगों ने मशीन्स बनाना बना शुरू, स्पेशली वर्ल्ड स्पेशली जो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू उसमें ज़्यादातर ये काम जो तेज़ी से करने होते स्पेशली जो मैसेज पासिंग वर्ल्ड वॉर टू के अंदर बड़ी वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड टू के अंदर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, यानी कि आपने दो फौजियाँ उसमें डिकोमिकेट कर रही तो एलाइज है, एलाइज का मतलब क्या है, यहाँ है और एक वहाँ पर है, ठीक है, और वो एलाइज है मिल के हमला कर रहे हैं, उनके दरमियान मैसेजेस पासिंग होते हैं, तो द होल आइडिया वॉज कि हाउ टू इनक्रिप्ट दैट मैसेज एंड देन डिक्रिप्ट दैट मैसेज, क्योंकि अगर किसी ने वो अगर उनके ओपोनेंट्स ने वो मैसेज रीड कर लिया तो क्या होगा,
तुम्हें पता लगता है प्लान क्या है बस नहीं, तो एक बहुत बड़ी जरूरी बात ये थी कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है वो बहुत तेज होनी चाहिए बस नहीं, तो उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशन कि हमें फास्ट कंपटीशन करना है। और ये जो ब्रांच है एज ए कंप्यूटर के नाम से वो इमर्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो बड़े बड़े जाइंट्स पैदा हुए, एलन ट्यूरिंग एक तरह है और बहुत सारे, ठीक है। खैर शुरू के लिए कंप्यूटर होते थे उसमें वो प्योर मैकेनिकल होती है, प्योर मैकेनिकल इन द सेंस कि बाकायदा एक मशीन है उसमें तारें लगी हुई हैं, अगर आपने कोई चीज़ में चेंज करनी है तो तुम्हें जाके फिजिकली तारें चेंज करनी पड़ेगी। यानी फॉर एग्जाम्पल ये प्लस ऐसे कर रहा था, अगर मैंने माइनस करवाना है तो मुझे बाकायदा तारें जाके चेंज करनी पड़ेगी। व्हाट अ स्टूपिड डिज़ाइन, बस में। और छोड़ो इस बात को, उसमें बैक एंड पे लगा होता कि हमने वो चीज़ें स्टोर वगैरह करने के लिए क्रूक्स ट्यूब वगैरह यूज़ होती थी। क्रूक्स ट्यूब जो थी वो बड़ी उनकी लाइफ बड़ी छोटी होती थी और वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा लेती थी कि हमारे मशहूर है कि पहला कंप्यूटर जो बहुत बड़ा जाइंट बनाया गया था उसका नाम था एनीएक। एनीएक इतना बड़ा था कि जो हमारा जो यूसीपी का ऑडिटोरियम है ना वो उससे भी बड़ा था और वो इतनी बिजली खाता था कि जब वो ऑन करते थे ना तो पूरे शहर फिलाडेल्फिया की बिजली जर करती थी, इतना तो वो बिजली खाता था। ये समझ आ रही है मतलब? सो इतनी पावर चाहिए होती थी उसको चलाने के लिए। अब वो करता क्या था, वो आठ आठ डिजिट नंबर को ऐड करता था। तो ये काम, और अगर उससे किसी एक क्रूक्स ट्यूब खराब हो जाए जो कि वैक्यूम ट्यूब वगैरह खराब हो जाए तो चलो जी आप ढूंढो वैक्यूम ट्यूब कौन सा खराब, ठीक है। तो ये एक अलग अलग बड़ा ये मुहिम था, ठीक। अच्छा एक और बात, फिर एक जो सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट वो दोबारा से हुई हुई जैकार्ड लूम की तरह की चीज़ थी। उन्होंने कहा कि ऐसे करके हमने एक जनरल पर्पस मशीन बनाई और उसमें एक्चुअली क्या होता है कि इनपुट में कार्ड से पंच कार्ड, आप अभी भी जाके अगर यूटी साइंस म्यूजियम जाए तो वहाँ आपको ये कंप्यूटर से नजर नहीं आते, ओके, कि वो जो पंच कार्ड है क्या बिल्कुल पंप है, ठीक। कुछ ऑफिस में तो पड़े हुए ऐसे म्यूजियम, हमारे प्रोफेसर रात जो बड़े बड़े हैं डॉक्टर शिवपाल वाले हमारे टीम थे आप लोग होता था, तो वो तो एक्चुअली वगैरह उन्होंने तो किसी ने कोडिंग की और करते क्या थे कि वो शाम को लगा हो जाते थे सुबह आते थे आउटपुट होते थे आउटपुट ये होती है सेमी कॉलोन की सी इसी तरह हम बोलते हैं। तो आपको बड़ी आसानी से मिली बात है, हम लोग वैसे आसानी से अब तो ये कंबाइल किए नहीं होता पहले बताया था पूरे स्टूडियो बताया था। तो खैर जी ये पुराने जमाने में इस तरह की चीज़ें होती थी जिसमें एक्चुअली ये क्या होता है पंच कार्ड लिखता था उसमें जनाब यहाँ पे होल्स होते थे जो फिल होते और जो प्रोग्राम लिखने होते थे तो एक्चुअली आप इन होल्स को जाके बगैर उसमें से उसको ओपन करते, तो एक्चुअली होता है कि ये ट्रांसलेट हो जाता है इनटू जीरोस एंड वन्स। वी नो दिस नाउ, एक्चुअली बाइनरी फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये जो आपने कोड लिखने के बाद जब आप कंपाइल करते हैं तो जो फाइल बनती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। एक्चुअली आप ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं और वो इसको इंक्लूड करते हैं, बस ना। एक्सट्रीमली लेबोरियस वर्क, वेरी लेबोरियस वर्क, ठीक है, ये बस ना। और अगर जवाब दे फॉर एग्जाम्पल वो बनाया है कोड जाके किया उसने लिखा जी हेलो वर्ल्ड और आप शयान आता है वो कहता है जी मैंने एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन भी डाला है तो वो बेचारा बस बैठ रहेगा मैंने कहा मैंने चेंज करना है बस ना। नहीं कहाँ उसने किस चीज़ तरह से मैसेज लिखा है हमें समझ नहीं आई। एक्चुअली वो पंच कार्ड यूजली एक ही दफ़ा लिखा था उसके बाद दोबारा यूज नहीं तो बड़ा टेक केयरफुली हमें जियो से एडवांस फिल करना जैसे भी है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे पास एक्सटेंशन करना एक इम्पॉसिबल था, ठीक है। अच्छा देन देयर केम ए वंडरफुल उसने कहा यार देखो मैंने एक प्रोग्राम बना दो, उसने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम की ना यहाँ उसने एक बड़ी मजेदार चीज रखी यहाँ पर आप ये कीबोर्ड है एक कीबोर्ड टाइप चीज बनाई जिसमें आप देख सकते हैं और ये उसकी स्क्रीन थी, ठीक है।
और स्क्रीन पे जब आप लिखेंगे ना मुझे सर्च मूव ए एक्स थ्री मूव डी एक्स फोर एड सी एक्स ए एक्स डी एक्स आप लिखेंगे इस पर स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर आप लिख रहे हो ये इस तरह ठीक है और यहाँ पे इसने पूरा का पूरा कन्वर्टर बनाया जो कि ये मशीन थी जीरोस एंड वन्स लिखी हुई मशीन वो बेटा वो ऑटोमेटिकली इसको जीरोस एंड वन्स बेटा आते हैं याद नहीं ठीक ये कन्वर्टर से लिखा इसे कहते हैं ओके असेंबलर है और ये जो इसने जो जबान बनाई है इसने आप लिख सकते हैं मुझे समझ लिया ठीक है What a marvelous idea. इस आइडिया का आना था कि दुनिया में थलथली मची थलथली कैसे मची कि लोगों ने कहा ओए ये तो बहुत बड़ी जबरदस्त बात है हम एक्चुअली कहते हैं एक इसी के ऊपर एक और रख रहा है मतलब क्या यहां पर एक और कीबोर्ड है यहां पर एक और ये चीज है हमें कह रहे हैं हम एक और लैंग्वेज में जाके लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल is equal to 3 plus 4. Which language is this? Python. Python is the simple language. This will convert into this and this can convert into Python. और फिर तो एक दुनिया वहां पे खुल गई जावा में निकल आया तरीका के प्रोग्रामिंग में निकल आई आपने स्क्रैच पे भी काम किया होगा देखो और भी ज्यादा एडवांस हो गया एचटीएमएल जावा वगैरह एक पूरी पूरी दुनिया लैंग्वेजेस के आ गया ओके डज इट मेक सेंस ठीक है तो ह्यूमन प्रोग्रेस जो एक्चुअली जो इसकी कंप्यूटेशन में कंप्यूटर साइंस में जो प्रोग्रेस हुई उसकी सबसे बड़ी जो इन्वेंशन है वो एक्चुअली यहां से शुरू ओके अगेन एन इंस्पिरेशन फ्रॉम माय लवलेस एडवर्ड स्टूडी चेयर स्टूडी चेयर Then a language explode happened. लोगों ने बड़ी बड़ी हर सुबह कोई और को उठे के नाम लैंग्वेज बनाते ठीक है बस मैं ये लैंग्वेज हम क्यों बनाते ये लैंग्वेज हम नहीं जो बनाते जा रहे क्यों बनाते जा रहे क्यों बनाते जा रहे हम क्यों बनाना चाहते हैं इसको समझना आसान था या इसको समझना आसान था इसको समझना आसान है आसानी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी आर द मोस्ट लेजी बी ठीक है लेजी बम्स कहते हैं तो हम चाहते हैं कि भाई हम आसानी से आसानी से काम करें बस ना ये प्रोग्रेस होती जा रही है बट फिर भी हमारी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो थी एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम ने ये प्रोग्रेस बढ़ती थी ना प्रोग्रेस ऐसे और उस वो एक ऐसा टाइम था जिसके टायर उस टाइम ने इस प्रोग्रेस को यहाँ से यहाँ उठा गया ओके और वो था लॉट्स ऑफ पीपल गेट टुगेदर एंड दे केम अप वन आइडिया कि ह्यूमन बींग सोचता कैसे ह्यूमन बींग सीखता कैसे जबान को क्योंकि लैंग्वेज ही है ना ह्यूमन बनना चाह रहे तो सवाल ये कि ह्यूमन बींग कैसे लैंग्वेज सीखता है ओके आप सुना कभी आप छोटे बच्चे हो गए तो बच्चा अपनी वर्ल्ड व्यू जो बनाता है और उसके लिए जब लैंग्वेज डिस्कवर करता है तो कैसे डिस्कवर करता है अम्मा अब्बा जी जी मामा या मम दूध को मम कहता है ठीक है दूधू ये सारी चीज़ें क्या है ये सारे क्या है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ है ना अब देखो ऐसे ही पूरे नहीं बोलता और वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग से इंस्पायर्ड एंड दैट पैराडाइम ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग Okay, object-oriented programming is actually a paradigm
जिसमें हम ऐसे प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं जिस तरह ह्यूमन सोचता है अपने समय के बारे में. What we will going to do is the following. कि हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, जब सॉफ्टवेयर वर्ल्ड को डिज़ाइन करने के बारे में सोचेंगे, तो हम वो सॉफ्टवेयर ऐसे बनाएंगे कि उसको हम इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स सोचेंगे. ओके, और हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होगा क्या उसकी प्रॉपर्टीज. और एक और मजा आता, ना सिर्फ एक प्रॉपर्टी एसोसिएट होगी, वो प्रॉपर्टी उसके अंदर होगी. बेटा आप बना के उसाना ने फॉर एग्जाम्पल कोई एक कोड किया है, आमतौर पर जब अभी तक तुमने कोड किया होगा, लेट्स से तुमने चेस का कोई कोड लिखा है या टिक टैक टू है, कोई भी गेम बना, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है इशफाक, तुमने अगर इसका काम इन्हेंस करना, इसने फॉर एग्जाम्पल चेस में फलाना फलाना चीज़ किया था, आप वो कर तुम चाहते हो कि इसके लिए फलाना पीस है ना, उसकी मैं ये मूवमेंट भी ऐड करना चाहता हूँ, तुम क्या फ़ौरन ही उसमें चेंजेस करना शुरू कर दोगे? पहले तुम समझोगे कि उसने वो क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, फिर फिगर आउट, अच्छा मुझे पूरा समझ में आ गया, अब मैं फलानी चीज़ चेंज करूँगा. ऐसे ही होता है, ऐसे होता, ऐसा होता. वो इस सबसे कमाल बात यह है कि हम अपनी पूरी दुनिया को जो हम बनाने जा रहे हैं उसको हम पीसेस में डिवाइड करेंगे, और पीसेस में डिवाइड करने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डिवाइड करेंगे. ये पोर्शन का ये काम, ये पोर्शन का ये काम, ये पोर्शन जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसका ये काम. ये बात नहीं, सो फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने किसी क्वीन की फलानी मूवमेंट में एक ऐड करना, तो क्वीन का एक ऑब्जेक्ट होगा, और एक्चुअली मैं सिर्फ उसी के कोड में जाके चेंजेस करूँगा, और मुझे किसी और के बारे में जानने की जरूरत नहीं पेश आई, मैं उसमें एनहांसमेंट करूँगा और वो अब हर जगह नजर आना शुरू. बस नहीं, द होल आइडिया इज कि हम पूरी की पूरी जो दुनिया बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि वो पहले की डिग्री या डिवाइड होगा. ओके, द मास्टरफुल आइडिया इज एक्चुअली कि मैं चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करूँ. ओके, एब्स्ट्रैक्ट होने से क्या हुआ कि चीज़ें सब असल में मुझे बहुत सारी चीज़ें नजर आ रही हो ना, तो मुझे समझ कुछ नहीं आएगा. अगर मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें नजर आ रही हैं और बड़ी बड़ी पिक्चर समझ में आ रही है, तो मैं उसे ज़्यादा जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूँ. ये सब कुछ समझ आएगा. तो द होल आइडिया वॉज कि चीज़ें कम नजर आनी चाहिए, चीज़ें एब्स्ट्रैक्टली अलग अलग पड़ी होनी चाहिए, बस नहीं, और उन चीजों के इंटरेक्शन से हम क्या करेंगे, हम अपनी अपनी दुनिया बनाएंगे. बस नहीं, ठीक है, और वो जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स होंगी. सब समझ में आ गया, ठीक है. सो मैं भी आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, और सिनेरियो ये कि हमने ह्यूमन बीइंग बनाता है, ठीक है, मैं भी बनाने लगा आपके सामने. तो ह्यूमन बीइंग किन ऑब्जेक्ट्स से मिलकर बनाए वो हम बनाएंगे, ठीक है. ऑफकोर्स हम सारे नहीं बनाएंगे, लेकिन हम वो चीज़ें जो है सारे में स्पेटलीस नजर आती है वो बनाएंगे, और फिर हम एक सिनेरियो सॉल्व करेंगे, और सिनेरियो क्या होगा, वो एक्चुअली इन ऑब्जेक्ट्स की कम्युनिकेशन से आपस में बनेगा, ठीक है. पहले हम ह्यूमन बीइंग डिजाइन तो करते हैं, ह्यूमन बीइंग आपके ख्याल में कैसे रहता, क्या चीज़ें होती हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कि हमें मलहूज़ खाते रहनी चाहिए. अगर फॉर एग्जाम्पल आपने, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने रोबोट बनाना है, रोबोट एक ह्यूमन बीइंग का प्रोग्राम बनाना है, तो वो आप कैसे बनाएंगे जी, बताएं. सबसे पहले क्या आपका शाबाश, आपका आपका हेड है, ठीक है, और क्या है, आंख है, उनको हम हेड कर दें, हाँ उसके अंदर रख लीजिए, मैं इतना ऑब्जेक्ट से अलग बना, ठीक है. आपका आईज, आई आईज कर दो, और क्या है, ईयर्स, ईयर्स नोज भी कर देते हैं, ठीक है, माउथ भी कर देते हैं, ठीक है. ये तो बहुत सारी चीज़ें होने की झारी नहीं बना रहे, मैं तुम्हें एक सिनेरियो बता रहा हूँ. चलिए, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉडी ब्रेन, ठीक है, बॉडी भी है, ऑफ कोर्स बॉडी भी हमारा लेग्स भी हैं, हैंड्स भी हैं, ठीक है, फिंगर्स भी हैं, वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. अब सिनेरियो बनाते हैं जो इन सब की कम्युनिकेशन से चीज़ बने, हार्ट भी ऑफ कोर्स, लेकिन हार्ट को नहीं मारता, ठीक है. सिनेरियो बताते हैं, ये सर हार्ट भी वीक हो सकता है, तुम्हारे किस्मत तो कन्फर्म भी हो जाएगा. इमेजिन करें कि आपने खड़े, ठीक है, आपने खड़े में और आपने जी क्या देखा है, आप मैं आपका लेट से कि रात का टाइम है, ठीक है, और जैनब जी जो है ना प्रेजेंटेशन तैयार, ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार करिए, और लेट से व्हाइट बोर्ड को मिला हुआ है, उससे जरा
वो ये पहला दिन है प्रोफेसर शिव का उसके प्रेजेंटेशन है और वो आप प्रेजेंटेशन क्या करिए चाहना कि अच्छा होता क्या है उसको ना और यहाँ पर ना सांप भी है अच्छा लेट्स से वो काम करेंगे ठीक है अब इमेजिन अब हमने कुछ करना है ऑफकोर्स आप सांप अगर आएगा यहाँ पर तो हम पर काम करना आता है और लेट्स से कोई बंदा है जो कि है सो वट वट विल हैपन उसे क्या करना चाहिए नहीं वो तो अलग पता लेकिन ओवरऑल अब हमें लेट्स से कि हम जिस फ्लोर पे खड़ी है हम फ्लोर में से लेट्स से वो ओके ठीक है तो शॉप करने का फायदा है हमने मुझे कुछ फील होगा ना कुछ होगा ears क्या करेंगे तो ears brain में मैसेज आएगा और वो फिर eyes से हम देखेंगे एक ears से क्या मैसेज आएगा कुछ फील हुआ तो let's say कुछ सरसा कोई आवाज ठीक है जैसे ही कोई let's say ये वो एक sound wave भेजता है वो constantly sound wave भेज रहा है अब जैसे ही अब sound wave तो वैसे ही वो हमारे इस कमरे की अलग एक sound है लेकिन एक ऐसी साउंड है जो कि किसी से सरसा हट गई व्हाट विल हैपन माय ब्रेन विल इमीडिएटली सेंड अ सिग्नल टू होम आईज फेस आप क्या कह रही हो कह रही है कि लेट्स से मैं काम कर रहा हूं मेरी अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं तो आप कहती है कि ना मेरी आई मेरी ब्रेन ने मुझे सिग्नल दिया कि या लेट्स से यहां से आ रही ठीक है बाय द वे दोनों इयर्स अलग अलग सिग्नल भेजते हैं क्यों डायरेक्शंस वो इट्स अ प्रॉब्लम हियर ये ईयर कहता है कि मुझे यहाँ से आवाज़ आ रही है यहाँ से आवाज़ आ रही है जिस ईयर से आवाज़ कम आ रही है इसका मतलब है उस साइड पे नहीं है दूसरी साइड पे बात समझ आप इमेजिन करें सब सब सेलेक्ट से है कि मुझे यहाँ से अगर आवाज़ ज़्यादा आ रही थी तो व्हाट विल हैपन तुम कहते हो कि आईज को बुक करेंगे ऐसा देखूंगा मैं लेग्स को टर्न के बगैर मैं क्या कर सकता हूँ मेरे ख्याल मैं बहादुर जो हूं मैं बैक टू द फेस हां आई विल मूव माय फेस आई विल मूव माय हेड ओके चल विल माय ब्रेन सिग्नल माय हेड कि मैंने एग्जैक्टली इतना मूव करना नहीं कितना आईज का काम पता है आईज का काम सिर्फ यह है तस्वीरें लेना और तस्वीर लेके किसे भेजना ब्रेन ब्रेन और ब्रेन का काम है कि डिटेक्ट करना कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है ये बात समझ रही सो एक्चुअली व्हाट माय मैं फेस को जब यू मूव कर रहा हूँ तो मेरी आईज जो है वो मेरे ब्रेन को सिर्फ तस्वीरें लेके भेजता माय ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेटिंग दोज इमेजेस और जब मेरा इमेज यहाँ का आता है तो वो कहता स्टॉप ओके ये बात समझ रहे और फिर एकदम जी वो थकली मचती है वो ये सांप है ठीक है तो आप मेरे डिफरेंट रिएक्शन ये समझ में आएगा तो रिएक्शन कुछ भी हो सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं कुर्सी पे चढ़ जाता हूँ ठीक है या आप कुर्सी पे चढ़ने के बाद क्या बिल्कुल अट्रैक्ट आई मे ट्राई टू शाउट लेकिन सांप को फर्क नहीं पड़ना उसको शाउट से फर्क नहीं पड़ता तो वो हियर नहीं करता कान नहीं होता उसका हाँ आवाज़ अच्छी सुनता अकेले बैठे हाँ हाँ जी क्या करें आप कोई चीज़ होने के मामले के लिए आप में पढ़ना पड़ेगा या यहाँ से मैं टेस्ट पकड़ देता हूँ या मास्टर लाता हूँ और मैं उसे मारता हूँ ठीक है अब उसे लेट्स से जाके हिट होता है ओके तो वो दे ट्राई टू रन इन सम डायरेक्शन ठीक है सो दैट क्या हो कि मेरे लिए रस्ता क्लीन है
की बाजू में एंड देन आई रिएक्ट उसके. इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप देखें तो हमारे ऑब्जेक्ट की कम्युनिकेशन होती है. आईज इज कॉन्स्टेंटली गिविंग मी मी इमेजेस कि अब वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है. ईयर्स से मैं सुन रहा हूँ. हेड मेरी कॉन्स्टेंट मूवमेंट हो रही है कि भाई अब उधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया. और माउथ से मैं ठीक है, मैं शॉपिंग भी कर सकता हूँ. और लेग्स मेरे दौड़ने के लिए कमाए कि जब मैंने उसके बस मैं इन सब की इंटरेक्शन से आप एक पूरे बस मैं तुम्हारा तुम्हारी आईज जो है, तुम्हारी आईज जब इमेजेस लेती हैं उस जगह का जहाँ पर सांप पड़ा हुआ है, तुम्हें पता है आईज के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि तस्वीर लेते हैं, कौन सा पोर्शन है जो कि तस्वीर लेता है, फिर वो कहाँ पर इमेज बनता है, फिर इमेज किस तरह से ब्रेन को पहुँचता है, ये तुम्हें पता लगता है? ये तुम्हें जानती हो? या अगर मैं ये कहूँ ईयर के अंदर जो ईयर मेरे कॉन्स्टेंटली दिमाग जो है वो लिसन कर रहे हैं, तो ईयर के अंदर बैक एंड पे एक्चुअली पर्दा होता है और पर्दे की एक्चुअली वेव लेंथ होती है और वो जो आवाज़ यहाँ आती है उससे एक्चुअली एक पैटर्न बनता है और वो पैटर्न दिमाग को पहुँचता है. ये तुम्हें जानने की जरूरत है ये काम करने के लिए? नहीं. इसी तरह जब मैं मूवमेंट करता हूँ, जब मैं लेग्स से मैं भागता हूँ, तो मेरी कौन कौन सी बोन जो है वो किस किस रफ्तार से मूव होती है, मेरे किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होती है वगैरह, ये मुझे जानने की जरूरत है? ऑल आई नीड टू डू इज ऐसे रन कर. ये बात है दैट इज द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कि हम जब ऑब्जेक्ट्स की आपस में इंटरेक्शन करवाएंगे ना, तो इतनी मिनिमल इंफॉर्मेशन बाहर देंगे कि वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आप बताएंगे नहीं. आप जब ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट इतने एब्स्ट्रैक्टली बनेंगे कि आप कहेंगे ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप इस तरह यूज कर सकते. तो एक्चुअली आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो उसकी हाइड होगी. अभी मेरा हाथ है, मैंने हाथ से कुछ चीज थ्रो की है, मेरे हाथ में कौन कौन सी बोन्स हैं, किस किस तरह की उसकी फ्लेक्सीबिलिटी का उसका मैयर है, क्या है, ये मुझे कभी भी नहीं पता चलता. ये प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता चलता. बिल्कुल इसी तरह जब इशफाक ने उसामा का जब कोड चेंज करने की कोशिश की थी तो उसको उसकी मेमोरी के हर वेरिएबल का पता होना था, लेकिन ऊंट के अंदर पता होना जरूरी है. मेमोरी की इतनी सारी चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ती हैं, वो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक्चुअली मैं आपको बात बताऊँ, ऊंट विल गोइंग टू मेक योर लाइफ सो ईजी एंड सो ब्यूटिफुल कि ये इससे ज़्यादा नेचुरल कोई बातें की. एक्चुअली देर इज ए स्कूल ऑफ थॉट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कहते हैं कि C++ जिस तरह आम तौर पर पढ़ाई जाती है, जिस तरह इंट्रो में पढ़ाई होती है, पी एफ में पढ़ाई, फिर जाके ऊ पढ़ाई जाती है, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि बहुत स्टूपिड बात है, क्योंकि आप इंसान आपको उसकी नेचुरल वे ऑफ थॉट से निकाल रहे हैं. वो कहते हैं कि आपको ऊप उससे पहले पढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऊप इज पर हैव द मोस्ट नेचुरल वे टू थिंक, because that's how human being is actually thinking in the form of objects. वो चीज़ें यहाँ हैं, वो चीज़ यहाँ हैं, तो उससे फंक्शनलिटी फंक्शनैलिटी वो ऑब्जेक्ट के साथ उससे मिले. ये बात सुना ठीक है. मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं. बाय द वे मुझे याद कराना है आपने कि मैंने आपको बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका आपको बताया था ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ये आप लोगों को पहले ही पता है. ये एक एग्जाम्पल आपने की हुई है जिसका आपको पता नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली आप यूज कर रहे हैं बात ठीक है. जब भी आप याद कर रहे हैं तुम्हारे भी डर. अच्छा अगर कहता हूँ मैं अपनी पहली प्रोग्रामिंग ऊप की एग्जाम्पल बनाता हूँ और एक्चुअली आप गोइंग टू कोड ठीक है. सो फॉर सो गुड वी विल गोइंग टू मेक ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल. और वो सिंपल एग्जाम्पल पता क्या होगी, वो होगी एक हम C++ में एक्चुअली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आप डिजाइन नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं उस वो ऑब्जेक्ट की जेनेरिक फॉर्म डिजाइन करते हैं. जेनेरिक फॉर्म का मतलब क्या है कि जब भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाना होगा ना, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बनाना होगा या फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी चीज़ बनानी होगी, तो मैं क्या करूँगा मैं पहले उस ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाऊंगा. ब्लूप्रिंट को ना एक्चुअली C++ में कहते हैं क्लास. एक्चुअली व्हाट इज क्लास, क्लास इज एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट की जनरल फॉर्म क्या हो. अब जब उसकी जनरल फॉर्म में एक्चुअली क्या होता है, जब हम उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू डालते हैं तो एक्चुअली वो पहला ऑब्जेक्ट. So actually what we're going to do is इसका स्ट्रक्ट में हम डेटा टाइप बनाते हैं. बिल्कुल इसी तरह हम एक्चुअली एक डेटा टाइप बनाएंगे जिसको हम क्लास का नाम देंगे.
पर उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, सस्टैक में प्रॉपर्टीज होती है, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उसके साथ एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी भी साथ उससे, कि ये ऑब्जेक्ट है इसके साथ एसोसिएटेड ये फंक्शन है, ये समझ आ रही बात? आपने पता है करें फिर हम उन इस क्लास स्टक जो हमारी डेटा टाइप बनती है उसको यूज करते हुए उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका स्ट्रक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर उसके साथ साथ उसके फंक्शन होंगे जो हम कॉल करते हैं, ओके? और फिर इन और हमें आउटसाइड वर्ल्ड को जानने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, हम सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी से उसको यूज करेंगे, ओके? इस तरह यहाँ पर हम उसके फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं, ठीक है? अभी डिटेल आपको जब मजीद पता लगेगा तब पता लगेगा क्या चीज़ें क्या है, ठीक है? बट डोंट वरी, अभी हम देखते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी मेक ए फर्स्ट एग्जाम्पल, और इसका नाम है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। बाय द वे, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसेंशियली ए, आप सब लोगों को पता है कौन सा नंबर जी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी सिखाऊंगा, ठीक है? तो मैं ना सिर्फ डेटा टाइप बनाऊंगा बल्कि उसी के साथ एसोसिएटेड जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मेरा एक फंक्शन होगा जिसका नाम होता है ऐड फंक्शन, जो होता है वो अगर मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना तो कितने पैरामीटर्स पर वो काम करेगा? तीन क्यों? दो, अच्छा इससे एक्चुअली ऐड का काम क्या है? ऐड का काम है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इनपुट में लेना और क्या करना और एक वैल्यू रिटर्न करना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिटर्न करना, है ना मसला? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, 3 और एक है 4, 8 तो बेटा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, और होना चाहिए क्या? 6। बात सुना? सो मैंने ऐड फंक्शन बनाया, ऐड फंक्शन ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर तो एज ए पैरामीटर लेगा, तो मैं आपको लिखूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका नाम अवश्य सी टू को एज ए पैरामीटर, सी वन जो ये वाला नंबर है इसको एज ए पैरामीटर वो नहीं लेगा बल्कि वो क्या करेगा, वो एक्चुअली हम मेन में जाके ऐसे काम करेंगे, सुनो गाइस हम करेंगे ये और ये तुम जूम कर सकते हो, जूम जूम, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम मेन में जाकर पूरी तरह चीज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सी वन, यहाँ पे मैं कोई चीज ढूंढूंगा नंबर, यहाँ पर इसका नाम लिखा था 2 और 3 था, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर सी टू, और यहाँ पर जाकर लिखेंगे क्या 4 और 8, ठीक है? और यहाँ पर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर C3 is equal to C1 dot add और यहाँ ले देंगे C। अब होगा क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि C1 जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका add फंक्शन कौन? बेटा आप यहाँ से यहाँ हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं C1 के अंदर जो add फंक्शन है वो कौन? ये बात समझ? ठीक है? और C2 उसमें ऐसे पैरामीटर पास, ठीक है? अच्छा मैं एक पास ये ऐड फंक्शन होगा, इसमें C2 जो है वो तो ये वाला है पास, ये जो C1 है ना ये इसमें आपको बैठ के पास होगा ना, और वो हम इसी तरह यूज करते हैं, यानी अगर हमने प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करने की ना यूज करें आई विल कोड इट इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू रियलाइज कि एक्चुअली कैसे होगा, ठीक है? ऑलराइट, और फिर क्या हुआ, ये फंक्शन इस ऐड फंक्शन करता है, ऐड फंक्शन एक और कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न करता है, वो रिटर्न करेगा वो मेरा C3 को सर, ये बात समझ? We will going to make this class in front of you. और आपसे बड़ी मुश्किल है आपको मुझे रोक दिया पहले मुझे हमें ये समझ नहीं दैट इज परफेक्टली फाइन आप पहले दफा दो चीज़ बना रहे हैं आपको कन्फ्यूजन तो होगी होनी चाहिए
कन्फ्यूजन नहीं है उसको, मतलब क्या कुछ चीजें नहीं थी ठीक है, और कोई चीज़ आप नहीं सीखी नहीं समझ रहे, जब कन्फ्यूजन हो रही है उसका मतलब ये है कि आप चीज़ें नहीं ली सीखे, बिकॉज आप खुश होना चाहिए और खुश होना चाहिए ठीक है। सो लुक एट दिस हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माय फर्स्ट एग्जाम ठीक है। तो प्लीज कहीं भी कोई भी मसला आ रहा हो आप मुझे उसको बताइए। चलिए स्टार्ट करें, हाउ टू क्रिएट ए क्लास, ये यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट में आके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ऐड से कहाँ जाएंगे न्यू आइटम नहीं हम करेंगे क्लास ठीक है, और यहाँ जाके लिखेंगे क्लास, मैंने डबल क्लिक कर दिया, और यहाँ पे लिखेंगे आपके फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है। आप यहाँ देखें तो यहाँ पे डॉट एच और डॉट सी की दो अलग अलग इसने यहाँ पे आइटम दो लिख दिए ठीक है। ये डॉट एच क्या, डॉट एच है एक्चुअली, ये एक्चुअली आपके प्रोजेक्ट के अंदर दो फाइल बना देगा, एक डॉट एच जिसमें उस क्लास का जिसका हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं उसकी सिर्फ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप्स, ये फंक्शन है ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स वगैरह 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 कॉन्जुगेट, इस तरीके से फंक्शन बनाना चाहे क्लास के ठीक है। वो क्या होंगे, वो सारे सारे यहाँ पर आएंगे लेकिन डिफाइंड नहीं होंगे, वो सिर्फ सिर्फ एज ए प्रोटोटाइप की फॉर्म, और सीपीपी फाइल में जाकर हम उन फंक्शन को डिफाइन करें ठीक है। उसको डिफाइन करने का एक तरीका है ठीक है, ये आमतौर पर हम फंक्शन प्रोटोटाइप में लिखते हैं, प्रोटोटाइप मेन के ऊपर लिखते हैं और फिर नीचे जाकर उसको डिफाइन कर लेते हैं ना। यहाँ पर ये होता है कि प्रोटोटाइप्स आप क्लास के अंदर लिखते हैं, फिर क्लास के बाहर डिफाइन करने का एक तरीका होता है कि पहले आप रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, फिर कॉलम कॉलम डाल के फिर आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, ये मेथड का काम ठीक है। फिर सो आई विल गोइंग टू प्रेस ऑन, जैसे मैं फिनिश करूँगा तो होगा क्या कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली ये मैं जूम कर देता हूँ, ये एक डॉट एच क्लास बन गई है और ये डॉट सी भी क्लास बन गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एसेंशियली क्या बना है, डॉट एच में ये क्लास बनेंगे, ये ऊपर प्रोजमा वंस लिखा है, ये क्या है मैं बता देता हूँ ठीक है। ये क्लास बनी है, इसके अंदर ये पब्लिक पार्ट में कुछ लिखा हुआ है, मैं बात करता हूँ क्या चीज़ है ठीक है। और यहाँ पर मैं ना क्या करूँगा, यहाँ पर अपने कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करूँगा, और वो ये होंगे हर ऑब्जेक्ट की का जो ब्लू प्रिंट होता है उसको बनाने से पहले मुझे उसमें बताना पड़ता है कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर रियल नंबर है और क्या है इसके अंदर इमेजिनरी नंबर ठीक है। ओके नाउ लुक एट व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये एक्चुअली कंफर्मेशन है जो कि हर डेटा टाइप जो आप बनाएंगे ना, क्लास बनाएंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली बनेगा। तो ये कब कॉल होता है, जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है ठीक है। इसी इस वक्त इसकी फंक्शन की डिक्लेरेशन देखेंगे, लिखी include IO stream using namespace std int main return 0 complex number। अच्छा यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने एक्चुअली ऊपर इंक्लूड नहीं किया, इंक्लूड यहाँ जाके मैं करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट।